इस वीडियो का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव को विस्तार से समझना है। क्या हुआ विजय, आज सुबह सुबह थके हुए लग रहे हो? पूछो मत, आज तो सुबह से भाग दौड़ चल रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना घर परिवार में? हाँ, घर में तो सब ठीक है, पर हमारे गांव के पास जो नदी है ना, पिछले दो दिनों में ज्यादा बारिश होने की वजह से उसका बांध टूट गया और आसपास के सभी खेतों और गांवों में पानी भर गया। हाँ हाँ, मैं भी कल से इसी में व्यस्त थी। लगता है इस बार भी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बहुत दुख होता है जब हम लोग या एक किसान अपनी फसल को बर्बाद होते देखते हैं। लेकिन अब तो जलवायु परिवर्तन के कारण लगता है ये सब आम होता जा रहा है। सही कह रही हो, एक समय ऐसा आएगा जब सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ने लगेंगी और इन सब की वजह है बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव को विस्तार से समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा कि कैसे इस जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। सच्चाई तो ये है कि हम सभी जाने अनजाने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जिसे हमें धीरे धीरे कम करना होगा। लेकिन गांव वालों को या किसानों को ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को आम बोलचाल की भाषा में समझाएं कैसे? जैसे बाकी चीजों को समझाते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस गैसों को समझना होगा। ग्रीन हाउस गैस तो मुझे पता है, पृथ्वी के वातावरण में कई गैस होती हैं, जिनमें ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि होती हैं। बिल्कुल सही, और ये सारे गैस मिलकर पृथ्वी के ऊपर एक चादर के जैसी परत बनाकर उसे ढक कर रखते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। इसी वजह से यहाँ इंसान और जीव जंतु रहते हैं, साथ ही खेती बाड़ी भी संभव हो पाती है। सुगंधा, थोड़ा और समझाइए ना कि ये कैसे काम करता है। देखो, पृथ्वी के केवल उसी भाग पर इंसान और जीव जंतु रहते हैं या खेती बाड़ी होती है जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है। बाकी जगहों का तापमान इतना कम होता है कि वहाँ किसी का होना संभव ही नहीं होता। हाँ, इसीलिए किसी और ग्रह पर जीवन नहीं होता। जब सूरज की रोशनी वायुमंडल के इन गैसों से गुजरकर पृथ्वी पर पड़ती है तो धरती ज्यादातर किरणों या गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है और बाकी बची गर्मी को वापस वायुमंडल या वातावरण में भेज देती है, जहाँ ये ग्रीन हाउस गैसें वापस उसे पृथ्वी की तरफ भेजती हैं। यही कारण है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है या गर्म रहता है। तो फिर ग्रीन हाउस गैस से नुकसान क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल सिमी। ग्रीन हाउस गैस से हमें तब तक नुकसान नहीं होता जब ये संतुलित मात्रा में रहती हैं। लेकिन जब ये गैस ज्यादा मात्रा में पृथ्वी से निकलने लगती हैं, तो इससे धरती के तापमान का संतुलन बिगड़ता है और बढ़ने लगता है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण है। अब समझा, विकास के नाम पर हम लोग इन ग्रीन हाउस गैसों को जरूरत से ज्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ जंगल और पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग अर्थात दुनिया का तापमान तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये गैस किन किन चीजों से निकलती है? मैं बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा फैक्ट्री, मोटर गाड़ी और ईंधन के जलने से पैदा होती है। साथ ही मीथेन, कोयला, प्राकृतिक गैस, पशुपालन, खेती बाड़ी और कचरे के सड़ने से बढ़ता है। हाँ, अब आप अपने बचपन और आज के बारे में सोचो कि कितनी ज्यादा मात्रा में प्रदूषण बढ़ रहा है। यही सब मिलकर धरती के तापमान को बढ़ा रहे हैं, और अगर समय रहते हम लोग इस पर काबू नहीं कर पाए तो ऐसे ही अचानक बाढ़ या सूखा को झेलना पड़ेगा, जिससे न केवल फसल बल्कि जान माल का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम सबको मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा, ताकि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इतनी जरूरी जानकारी को सुनकर मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। अब हम लोग किसानों को भी जलवायु परिवर्तन के बारे में और अच्छे से समझा सकेंगे। अगली बार हम लोग जलवायु संकट के समाधान में खेती बाड़ी की भूमिका पर बातचीत करेंगे। ये सही रहेगा। अब मैं चलता हूँ, अभी मुझे अपने गांव में जाकर लोगों की मदद भी करनी है। आइए विचार करें कि किन प्रयासों से इस जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है।